नहीं 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 भाई भाई नहीं 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 अंदर मत। कोई अगर पूछता है कि अमेरिका के गांव कैसे होते हैं ना, दिस इज अमेरिकन विलेज। और इलेक्ट्रॉनिक्स अवॉइड करते हैं, इंटरनेट अवॉइड करते हैं, सोशल मीडिया को अवॉइड करते हैं जितना। सो वी शुड लीव राइट अवे। भाई वो जो भाई साहब है उन्होंने डरा दिया, बोले कि आप लोगों ने ट्रेसपासिंग किया है। उधर सुअर है, इधर छोटे वाले घोड़े हैं। हेलो जी, पता है कि जो पीछे लड़कियां आ रही हैं वो मुझे ना बोलेंगी, बट अरे ओ माय गॉड यार, वो लड़की को देखा तूने? हाय गाइस, रोनवर्दी है, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज है दिन बहुत ही सुहाना, धूप निकली हुई है, दो तीन दिन अच्छी खासी बारिश थी और इतना मौसम एकदम ऐसा हो गया था कि भाई घर में बैठे रहो और आराम करो। मेरे साथ है आज कमल। कमल व्हाट्सअप? व्हाट्सअप। और बहुत टाइम से हमारी प्लानिंग चल रही है कि आमिश टाउन है वहाँ पर जाना है, और ये आमिश टाउन के बारे में मुझे पता लगा कमल से ही, बोल रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं ना ये पुराने ज़माने के हिसाब से रहते हैं। ये जो आमिश टाउन है ये पेंसिल्वेनिया में है। आगे आगे चलोगे तो आप लोग को सारी डिटेल्स में देता रहूँगा। न्यू जर्सी से हम लोग निकले हैं, पेंसिल्वेनिया पहुँचे, और ये जो टाउन है पेंसिल्वेनिया में ही है, लैंकेस्टर काउंटी। और निकले हम लोग को, टोल लग रहा है, सिर्फ टोल जाने का $24 टोल लग रहा है, क्योंकि मैं एकदम टोल वाला रोड लेकर जाना पसंद करता हूँ ताकि गाड़ी सीधा ही जाए ना, कभी ना हो। छोटे छोटे रास्ते होते हैं वो देखने में मज़ा आता है, बट अभी मुझे ऐसा था कि सीधा जाते हैं उस जगह को, शूट करते हैं और वापस आते हैं। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया, और जगह बहुत खूबसूरत है पेंसिल्वेनिया देखा जाए तो। देखो भाई, जिस चीज़ का डर था वही हो गया, पूरा ट्रैफिक लग गया यहाँ पर, पता नहीं टाइम पे पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे टाइम पे। यहाँ पर कुछ हुआ है, देखना पड़ेगा। बाप रे, पूरा भाई व्हील का वो बड़ा ही एक्सीडेंट हुआ लगता, पूरा व्हील ही निकल गया, पूरा निकल गया इसका। देखा ये देखो भाई, अभी बारिश आने लग गई, सरप्राइज। बीच में ट्रैफिक लग गया था और अभी यहाँ बारिश। क्या करने का? वापस जाते घर, जाते घर, घर कुछ सोच ही नहीं रहा है, वापस जाते क्या करें, अभी तो लगता नहीं कुछ होने वाला है। Look at that side. बारिशों की जोर, सूरज देवता निकले, सूरज देवता निकले, वो निकले 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 सूरज देवता, सूरज ज्यादा। भाई 0.3 माइल्स पे आएगा आमिश विलेज, वो देख लिखा हुआ भाई, वो देख उधर है, दिस इज द आमिश विलेज। तो जाने का कैसे? अच्छा वहाँ से राइट से, इधर से ना। देखो भाई, यहाँ आमिश विलेज हम लोग पहुँच गए हैं, और मैं अंदर जाने से पहले आप लोग को कुछ इनके बारे में बातें बता देता हूँ जो कि मैं गूगल से पढ़कर बता रहा हूँ। तो आमिश पीपल एंड फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म कर देते हैं 8वीं कक्षा तक फॉर्मल। दे डू नॉट होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, रिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्वमेंट विथ आउटसाइडर्स। जैसे हम अभी आउटसाइडर्स आए ना, ये तो आमिश लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा इनका विलेज जैसा बनाया हुआ है आउटसाइडर्स के लिए, जैसे कि लोग टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए कि भाई आमिश लोग लाइफ यहाँ पर कैसे जीते हैं, उनके घरों में जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे वो पता नहीं है। सिलेक्टिव यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ़ोन्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, इंटरनेट हो गया, लैपटॉप्स हो गया, तो उसका भी रिस्ट्रिक्टेड ही यूज़ है, स्पेशली फ़ोन का। क्या मौसम हो गया यार, कल परसों जब हम लोग होली पे गए थे इतनी ठंड हो रखी थी, और अभी देखो क्या सूरज निकल गया, कितना अच्छा मौसम आ गया, और आने के टाइम पे बारिश हो रही थी, इतना ट्रैफिक लगा, बट पहुँच गए।
द आमिश विलेज एंट्रेंस है बट ये क्लोज्ड है. देखो अभी अभी क्या करें, जाएंगे कैसे? चल ऊपर से. ये तो बंद हो गया, 5 बजे का लास्ट ट्रिप था शायद इन लोग का, ऑफिस ही बंद है इन लोग का. अभी अंदर कैसे जाने का? हाँ देखते वहाँ पे, वो गांव देखते. गांव देखते कैसे जाने का? चला जा देखते. तो यहाँ तक पहुँचे तो बिना देखे तो जाएंगे नहीं. परफेक्ट है. वो आंटी कहाँ से जा रही है? कहाँ से जा रही आंटी? अरे रास्ता है, चला जाए. एंट्रेंस एट गिफ्ट शॉप. आ जाओ भाई, हम लोग यहाँ से चला जा. अभी हो गए, पता नहीं है कि भाई एंट्री फी कितनी है यहाँ की, क्योंकि हम लोग तो ऐसे घुस गए. एंट्री फी है भी है कि नहीं है वो भी पता नहीं है, बट घूम लेते हैं थोड़ा सा. ये इनके लोहार की दुकान, डू नॉट एंटर. ये देखिए यहाँ पर लोहार, हॉर्स शू $5. जो इन लोग में पॉलिसी है आप यहाँ पे पैसा छोड़ सकते हो, कोई नहीं यहाँ पे. देख अच्छा, मनी इन हियर, अगर कुछ लेना है तो बाई करो. बट ये यूज्ड है, आई थिंक सो, वही इसके बगैर कलर किया. नहीं बट यूज नहीं है ये. यूज ही है भाई. नहीं यार यूज नहीं, पक्का यूज्ड है. यूज्ड है वही, क्योंकि यूज्ड बोलते हैं कि गुड लक होता है रखना अपने पास. दरवाजे पे लोग रखते हैं ना. हॉर्स ड्रॉन परेडो प्लाव, ये आलू के लिए. I went over there, there's, I saw real buggies, real people. You can go over there. From here? Yeah, take a drive. Oh, that's nice. Yeah. इधर क्या देख लेते हैं भाई? Feed animals with open palms. भेड़ बकरियां हैं यहाँ पर. हेलो जी सत श्री अकाल. उधर सुअर है, इधर छोटे वाले घोड़े. हेलो जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? पॉनिस, पॉनिस. कौन आवाज कर रहा है? कुकु कुकु करके. अरे क्या हो गया? बहुत क्यूट वाले ये. कौन कौन रो रहा है? उधर सुअर रो रहा है. पिगू क्या हो गया भाई तेरे को? वाई क्राइंग? अरे हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स अप. बाप रे भाई, देख के डर लग रहा है. ना भाई, मैं जानवरों से थोड़ा जब भी बाहर जाता हूँ थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, हाथ ना लगाऊँ तो ही बेटर है. ये रहे पोनीज, पोनीज है अपना बड़ा. यहाँ पर बड़े वाले घोड़े हैं. ये बतख और मुर्गी का मिक्स है. आप लोग, बाप रे इसकी आँख देखे यार, क्या मस्त है. हाय, खांसी लगी है इसको. हेलो, इसका नाम एड है और म्यूल है, इसका नाम म्यूल है. तू लग रहा है यहाँ का ही है. इसको देख के मुझे क्या याद आ रहा है, शायद अभी भी वो हाथ घड़ी रिक्शा होता है ना, कैलकटा में चलते हैं शायद. हाँ मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि जब मैं कैलकटा में रहता था तब तो वो हाथ घड़ी रिक्शा होते थे, शायद अभी भी होते हैं. तो वैसे ही लग रहा है. नहीं बोलेगा. ये मुर्गे की सुबह अभी हुई है भाई की. अबे एड़ा हो गया है. देखो भाई, हम आ गए बग्गी में. हम आ गए बग्गी में और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में रहते हुए भी यहाँ के लोग हैं जो आमिश लोग हैं वो एकदम एक गांव वालों जैसी ज़िंदगी बिताना पसंद करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स अवॉइड करते हैं, इंटरनेट अवॉइड करते हैं, सोशल मीडिया को अवॉइड करते हैं, जितना हो सके ऑर्गेनिक खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही उगाते हैं, अपने पशु और इधर ही रखते हैं, फार्मिंग भी करते हैं. और ये आपने ब्लैक स्मिथ का शॉप स्टोर देखा. I went over there, there's, I saw real buggies, real people. You can go over there. From here? Yeah, take a drive. Oh, that's nice. Yeah. तो जो भाई साहब मिले थे उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग आगे जाओगे ना तो आपको ये जो आप लाइव देख रहे हो ना वहाँ पर मिल जाएगी, बट वहाँ पर आप शायद आपको रिकॉर्ड करने को नहीं मिलेगा. इसीलिए उन लोगों ने ये यहाँ पर ऐसा एक विलेज जैसा बना दिया ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग वहाँ पर जाके उनको परेशान ना करें, यहाँ पर आए देखे कि यहाँ पर जो आमिश लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसे यहाँ पर अपनी लाइफ बिताना पसंद करते हैं, ताकि उन लोग की लाइफ डिस्टर्ब भी ना हो और टूरिस्ट और जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी पता लग जाए कि आमिश लोग यहाँ पर अपनी लाइफ कैसे बिताते हैं.
बराबर है भाई कमल भाई। ये अंकल यहाँ क्या लग रहा है, कुछ बोलना है आपको? अंकल जी को पूछ लो क्या पूछना है। Oh, yeah. Then later on, first we came in, later on we went there. Right, because we were closed. Yeah, and you to get the tickets. Yeah. No, a lot of people, there's aren't... No, they come in from the bus and they had tickets on. So how do I pay? How do we pay? Well, you're too late. You're trespassing, actually. Yes. So we should leave right away. Sorry about that. Watching you, yeah. Bye, you. वो जो भाई साहब हैं उन्होंने डरा दिया, बोले कि आप लोगों ने ट्रेसपासिंग किया है तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो हमारे साथ गलत हो सकता है। गाड़ी में बैठ जल्दी से। मैंने उसको बोला भी, भाई साहब पैसे कैसे दे आप बताओ, अभी हम लोग इतनी दूर गाड़ी चला कर आए हैं न्यू जर्सी से। तो भाई साहब तो अपने एटीट्यूड में बैठे, तो हम लोग भाग रहे हैं यहाँ से। चल चल, हम बच के भागे वहाँ से। सब सामान ले लिया। अरे पर वो दूसरे जो कैलिफोर्निया से बंदे आए थे, वो लोग भी तो क्रॉस करके, दो आंटी आई थी वो भी तो ऐसे ही आई थी। ये अंकल जी हमारे पीछे क्यों पड़ गए? आमिश वालों, आमिश वालों हमारे पीछे क्यों पड़ना था? हम 3 घंटा गाड़ी चला के आए हैं। अच्छा, यहाँ है जो आमिश लोग ना एक्चुअली में रह रहे हैं। एकदम पुरानी गाड़ी पड़ी है वहाँ पर अंदर। नहीं है, वो वैगन से, वैगन है, वही वैगन ही है ना, गाड़ी हो गया ना। वो देख, वो देख अंदर एरिया बहुत अच्छा है, एरिया बहुत अच्छा है। पेंसिल्वेनिया पूरे खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई है कि बहन है, कौन है? ये देखो क्या बात है। अरे माय यार, वो लड़की को देखा तूने? मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि वो जो लड़की थी ना, उसे प्रॉपर, अगर आपने पुरानी इंग्लिश पिक्चर देखी होगी कोई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ब्रो। मैंने बोला था ना, इन लोग ऐसा लग रहा है कि यार, ओ माय गॉड क्या कूल है यार। सामने वो लड़का देख, छोटा बच्चा है, ये आंटी है यहाँ पर। मैं किसको भी देख रहा हूँ आंटी बोल रहा, पता लगा मुझसे भी उम्र में छोटी है। क्या है यार टीचर। तो यहाँ पर लिखा हुआ था इन लोगों ने कि एग्स मिल रहे हैं, पैस्चर्स, बच्चे भी खेल रहे हैं, फ्री ब्राउन एग्स। तो देख के आते ना कि सच में वो लिखा हुआ है ग्रास फेड मिल्क। चल देख के आते, देख के आते हैं। चल Where will we get eggs? Where? ये देखो यहाँ पर बोला है उन लोगों ने, ये फ्रेश ब्राउन एग्स। उसको फूट नहीं कर सकते थे ना? यहाँ पर है, ओपन है, वो देख लिखा हो। ले लेते हैं अंडे, ले लेते हैं। अरे माँ कसम कुत्ता। हेलो, भाई मैं कुत्ते, कुत्ता आ रहा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं अंदर बैठ रहा हूँ, मेरे सामने भी है। हेलो, हाय। बाप रे, ये भी आ गया। किधर? दो है इधर भी, देखो बड़ा सा दो है। कुत्तों ने घेर लिया भाई। इधर कैमरा, अरे मौक का सब, वो देखो इधर भी आया, देखो मेरे साइड भी। हेलो, हाय, हाउ आर यू गाइस? नहीं 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 भाई, भाई नहीं 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 नहीं, अंदर मत आना ये छोटे। अरे मेरे भाई क्यों चाटम चाट, जा जा मौक कसम। क्या कर, भाग गए। चल चल अंदर देखते हैं। ये वैगन है यहाँ पर, देख पैसा रखे जाने का। हाँ पैसा, सिंडिका ये लोगों किधर है? तो देखा ना वैगन है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये सिंबल, ये क्या लोकल हनी? और वी कैन जस्ट उन लोगों को पे करके चला जाने का यहाँ पर। यू डोंट हैव $9 ईच है, अंडे का है, नोबडी इज हियर। अरे हाँ पतला, कोई भी नहीं है भाई यहाँ पर, चला जाए। हाँ यहाँ पर लिखने का है, देखना। एक डजन का $4 है, ब्राउन एग्स अ डजन। भाई $4 अच्छा है यार, ले ले मेरे पापा के लिए, और ले ले। है नहीं, अंडे नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर है गार्लिक एंड एक चीज। ये देख भाई, ये अंडे लेता हूँ मैं, एक मेरे लिए भी ले ले। दो डजन लेता हूँ भाई, मेरे लिए भी ले ले। हाँ ले लेता हूँ, ये ब्राउन एग्स है ना, एक ये दो, दो ले रहा हूँ। तेरे लिए भी एक ले लूँगा, तेरे लिए एक लेता हूँ। चल हो गया, 3 डजन हो गया। ये क्या है? पेपर जैक, पेपर जैक चीज, रॉ मिल्क। क्या बात है यार, इसमें क्या है? ये क्या है, क्या क्या रखा हुआ है भाई? कहाँ हम लोग, गांव में किसके आगे, किधर? क्या बात है यार। Thank you.
देखो भाई इनका भरोसा देखो, यहाँ पर पैसे भी रखे गए, मेरे पास छुट्टे नहीं थे, तो अभी मैं 50 मैं रख रहा हूँ, 21 मैं $51 रख रहा हूँ और $30 यहाँ से ले रहा हूँ वापस। 26, 27, 28, 29, 30 बस इतना ले ले, सब रख दे। 50 नीचे, 51 यहाँ पर रख कर जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लिखना है हमें कुछ? हाँ लिखना है, लिखना है। और कुट्टा भारी बैठा देख, मान गया यार, मान गया ना वो वही है, उसका ही फार्म है पूरा। ये फार्म पूरा उनका ही है, नहीं बगी के साथ बहुत अच्छा आ रहा है। लिखूं, लिख देता हूँ यहाँ पर $9, 3 eggs। यार इनकी लाइफ क्या जिंदगी है यार। डॉगी भी कितने सारे हैं, डॉगी कितने सारे? डॉगी देख बैठा हुआ, देख ये रखवा। मत 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 बुला बे, मत बुला उसको, कुछ हैंडी उसके सामने जा रहा है। हेलो हाउ आर यू, खाना खा के जाना, मेरे को मत काटना भाई, रुक जा दूर ही रह, अभी भी मेरे में इतना दम है देख। वाह ये देख यार, गांव देख, इसका फील देख, रोन 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 क्या रोन रोन कर रहा है बे। वो बैठ गया तेरे साथ। हाथ दे रहा है, हेलो शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड, गिव मी शेक, शेक हैंड। नहीं भाई rivers gonna cry when you're gone, 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 gone. Rivers gonna cry when you're gone, 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 gone. Rivers gonna cry when you're gone, 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 gone. Rivers gonna cry. क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे 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 खेलने का इसको। कोई है यहाँ पर? मैं कब से हाथ दिखा रहा हूँ, कोई है? थोड़ी वीडियो लंबी बनने वाली है। कैन यू कॉल योर डैड? डू यू गाइस सेल दोस पपीज? व्हाट काइंड ऑफ ब्रीड डू यू हैव? देन आर गोल्डन रिट्रीवर, नाउ देन आर गोल्डन रिट्रीवर एंड द व्हाइट डॉग, द ग्रेट चाइनीज मिक्स, एंड दे आर दे रेडी टू सेल और नॉट? नो, दे आर नॉट ओल्ड इनफ येट, दे हैव टू बी 8 वीक्स ओल्ड। दे हैव टू बी 8 वीक्स एंड हाउ मच आर द गोल्डन रिट्रीवर्स? How much they cost? Yeah. Between 500 and 800 usually. 500 and 800. Mm-hmm. You get certificates on anything with them or not? You what? Certificates. Yeah, they're registered. They're registered, so we will get that certificates. Mm-hmm. Okay, thank you. Money maker. तो यहाँ के लोग हैं ना, वो लोग puppies बेचने का business भी करते हैं, breeding का business. और बहुत सारे जो ब्रीडर्स हैं न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या दूसरी स्टेट से भी आते हैं यहाँ पर आमिश टाउन में स्पेशली पपीज लेकर, यहाँ से लेकर जाते हैं और लेकर जाके अपने स्टोर्स में। यहाँ पर ये वाला ब्रीड ये 700 में मिल रहा है गोल्डन रिट्रीवर का। अभी मुझे पता नहीं है कि गोल्डन रिट्रीवर आपको जो न्यू जर्सी में अगर आप खरीदने जाओगे या न्यूयॉर्क में खरीदने जाओगे कितने का मिलेगा। 1912 में बना ये। अरे बैठ जा, फटाफट बैठ जा यार, वो गाड़ी में बैठ जाएगा नहीं तो बच्चा बेचारा। बाय 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 बाय। क्या मस्त है यार, ये लोग घूम रहे इधर। देखो मुझे लाइक पता है कि जो पीछे लड़कियां आ रही हैं मुझे ना बोलेंगी, बट उनका जो अटायर है ना, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे कपड़े पहने हुए हैं।
ये घोड़ा गाड़ी तो कितनी बार दिखी है यार, मतलब यहाँ के लोग ये घोड़ा गाड़ी ही चलाते हैं यहाँ पर। भाई साहब जो यहाँ के जो ओनर है ना वो भी रुके थे, और आपको मैं बताना चाहूँगा जो गोल्डन रिट्रीवर जो पपीज़ हैं वो $200 से $300 के बीच में मिल रहे हैं यहाँ पर। हेलो, हाउ आर यू गाइस, कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू गाइस? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। नाराज हो गई लगता है, तेरे से नाराज हो गई। नहीं नहीं, ये लोग बात नहीं करते, शी इज स्माइलिंग टू मी। हां अच्छी है, मेरे को पता था तेरी शक्ल देख के ना बोला उसने। ऐसा मत बोल, स्माइल दिया दिखा लास्ट में। घर के बाहर घोड़ा है देख, एकदम किधर जाना ही नहीं इन लोग को फार्मिंग के लिए। River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone. भाई अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं कुछ खाने को लिए। तूने क्या ऑर्डर दिया? मैक्सिकन पिज्जा? Yeah, it's a taco pizza. यहाँ से टाको से कुछ खाने को लिया, खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलना आपको ब्लॉग कैसा लगा, और बड़ा मज़ा आया, लंबा दिन था और ये लंबा ब्लॉग बना है तो या। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग को मैं इधर तक ही रखता हूँ, खाना खाते हैं यहाँ से निकलते हैं, घर जाते हैं, 2 घंटे की ड्राइव बची और एंड या दैट्स अबाउट इट। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके आना, ऐसे वीडियोस में बनाते ही रहता हूँ। एंड दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ। बाय बाय बाय।